व्हाट्सअप मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी के बहुमूल्य प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक नए ब्लॉग, नए कंटेंट के साथ फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो गया हूं मैं, आप सभी के अपने यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है ड्रीम फिट ब्लॉग। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, हमारे आज के मेन कंटेंट की। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका असर हमारे वर्कआउट में भी देखने को मिल रहा है। तो आज के कंटेंट में, आज के ब्लॉग में हम यही बात करेंगे कि हम कौन कौन से बेसिक सावधानियां रख सकते हैं अपने वर्कआउट में, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो अपने गोल को अचीव करने में इस गर्मी के मौसम में। टीम, चलते हैं हमारी सावधानी नंबर एक की तरफ, जो है कपड़ों का चुनाव। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वर्कआउट करने में हमें दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप टाइट कपड़े या ड्राई फिट कपड़े ना पहने, डार्क शेड कपड़े ना पहने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि डार्क कलर के कपड़े, हम सभी को पता है, हीट को, धूप को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी उससे। और टाइट फिट कपड़े पहनने से जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कम्फर्टेबल फील नहीं हो पाएगा, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। टाइट फिट कपड़े पहनने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कपड़ों के अंदर हमारा एयर पास नहीं हो सकते, जिससे कि पसीना नहीं सूखेगा और ना ही ये कपड़े हमारे पसीने को सूखते हैं। तो मैं सलाह ये दूंगा आपको कि जब आप गर्मियों में वर्कआउट कर रहे हैं तो हल्के कलर के कपड़े पहने, जो गर्मी को या धूप को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उनको, और स्पेशली कॉटन के कपड़े पहने जो पसीने को सूखते हैं, और ढीले कपड़े पहने जिनके थ्रू एयर आपके स्किन तक पास हो सकती है, आपका पसीना सूख सकता है और आपको वर्कआउट करते समय गर्मी नहीं लगे। चलते हैं सावधानी नंबर टू की तरफ, जो कि है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं, मिनरल्स का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपको चक्कर आना, सर दर्द होना, डिहाइड्रेट होना। तो कोशिश कर रहे हैं कि वर्कआउट के दौरान आप पानी पीते रहें, और स्पेशली कुछ आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो नमक के साथ, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे और अपने आप को आप हाइड्रेट रख सको, फुल एनर्जी के साथ आप वर्कआउट अपना परफॉर्म कर सको। नंबर तीन की तरफ, जो कि है जब आप गर्मी में वर्कआउट कर रहे हो या जाड़ों में भी वर्कआउट करते हो, तो वार्म अप करते समय, वर्कआउट करते समय आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो होता क्या कि गर्मी में जब वर्कआउट लगा रहे हो तो एक तो वैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ऊपर से वार्म अप करके वर्कआउट करके आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लिया है, तो आपको गर्मी लग सकती है। तो ऐसा करने के बाद आप एसी के पास जाते हो या पंखे के नीचे बैठ जाते हो, गर्मी से थोड़ा आपको जिससे बचाव हो सके, गर्मी कम लग सके। लेकिन उसके पीछे डिसएडवांटेज ये है कि जो बॉडी का टेम्परेचर आपने वर्कआउट करके बढ़ा रखा है, जब आप एसी के समक्ष जाओगे या पंखे के नीचे जाओगे तो वही टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। तो दोबारा वर्कआउट करने के लिए आपको फिर से अपनी बॉडी को पंप अप करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अप करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है फिनोमेना इस बीच में, जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाता है, जब आप एसी के सामने बैठते हो तो टेम्परेचर वही ड्रॉप हो जाता है। तो पूरी वर्कआउट के दौरान यही प्रोसेस अप एंड डाउन चलता रहता है, जिससे कि भविष्य में आपको बॉडी पेन की संभावनाएं, जोड़ के दर्द की संभावनाएं आपको बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत देर पंखे के नीचे ना बैठें, कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए आप पंखे के नीचे जा सकते हो, बट कोशिश करें कि बचें आप एसी के समक्ष बैठने के और पंखे के नीचे बहुत देर तक बैठने के। चलते हैं अभी सावधानी नंबर चार की तरफ, जो कि ये है कि जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोशिश करें कि बहुत हार्ड लेवल का वर्कआउट आप ना करें, बॉडी को एक्सेसिव पेन आप ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट ना करें, जैसा कि हम जाड़ों में या बरसात के दिनों में करते हैं जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर आप गर्मी के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं आपके चक्कर आने के, जिम चलाने के, उल्टी आने के। बट अगर आप एनर्जी ड्रिंक की सहायता ले रहे हैं, BCAA ग्लूटामाइन या इस तरह के किसी अन्य ड्रिंक की सहायता आप ले रहे हैं, तो आप अपने वर्कआउट को पुश कर सकते हो, वो भी तब जब आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं अभी अपना वर्कआउट कर सकता हूँ। ज़बरदस्ती किसी के कहने पर आप अपने वर्कआउट को पुश ना करें, क्योंकि उस
इसका खामियाजा भविष्य में आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो बड़ी ये थी मेरी बेसिकली सावधानियाँ, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे वर्कआउट करते समय गर्मियों में, तो आपको दिक्कतें आएंगी नहीं। आप बहुत तेज़ी से ना सही, बट धीरे धीरे अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के बीच में, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा मैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले कंटेंट के बारे में आपको पता लग जाए कि मैं क्या लेके आने वाला हूँ। तो एक नए वीडियो के साथ पुनः आप सभी से बहुत जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, धन्यवाद।